प्रिय छात्रों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज की कक्षा में हम पत्र लेखन सीखेंगे। क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? अपने मित्रों को, माता को, पिता को या भाइयों को? नहीं, कोई बात नहीं। पत्र लिखना नहीं आता? कोई बात नहीं, आज हम पत्र लेखन सीखेंगे। प्यारे बच्चों, शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक। अनौपचारिक पत्र, जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है। अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। दूसरा औपचारिक पत्र, ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। ये पत्र विभिन्न सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अनौपचारिक पत्र वास्तव में कहते किसको है, या अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप कैसा होता है, प्रारूप मतलब किस तरीके से लिखा जाता है, या फिर अनौपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन कैसे किया जाता है। तो चलिए आइए सीखते हैं अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारे आत्मीय संबंध होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में बिना संकोच अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। इनमें बनावटीपन नहीं होता है। ऐसे पत्र संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम, क्रोध आदि के भाव अपनेपन के साथ प्रकट होते हैं। और इन पत्रों की एक खास विशेषता होती है कि हम इन पत्रों में जितने मर्जी विचार लिख सकते हैं। इनमें शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, परंतु औपचारिक पत्रों में शब्दों की सीमा होती है। अनौपचारिक पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर वन बधाई पत्र, दूसरा शुभकामना पत्र, तीसरा निमंत्रण पत्र, चौथा सुझाव या सलाह पत्र, पांचवा क्षमा याचना एवं आश्वासन पत्र, और छठा संवेदना, सहानुभूति या सांत्वना पत्र। अब सीखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, अर्थात पत्र लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम पत्र आरंभ करते हैं परीक्षा भवन और नई दिल्ली से। इसके स्थान पर हम अपना पता लिखते हैं, लेकिन CBSE के अकॉर्डिंग अब बदलाव हो गया है। तो अब CBSE में आप पता नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन नई दिल्ली। इसके पश्चात आप एक पंक्ति छोड़ेंगे। उसके पश्चात आप लिखेंगे दिनांक 24 मार्च 2020। उसके बाद फिर आप एक पंक्ति छोड़ेंगे और फिर आप लिखेंगे आदरणीय पिताजी, माताजी, प्रिय मित्र, जिसको भी पत्र लिखना है उसको आप यहाँ संबोधित करेंगे। उसके पश्चात बिना पंक्ति छोड़े आप उन्हें संबोधन करेंगे, चरण स्पर्श, अपने से बड़े हैं तो सादर प्रणाम, या अपने से बराबर वालों को नमस्ते। बिना पंक्ति छोड़े हम पत्र का आरंभ कर सकते हैं। हम सब यहाँ कुशल पूर्वक है, आप भी कुशलता से होंगे। इसके पश्चात प्रश्न से संबंधित जो भी विषय दिया गया है उसका विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णन करेंगे। अंत में पत्र का जवाब शीघ्र देना, माता पिता को प्रणाम, छोटों को प्रेम। उसके पश्चात आप लिखेंगे तुम्हारा पुत्र या तुम्हारा मित्र क ख ग। विशेष ध्यान रखना कि क ख ग ही लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। यदि आप अपना नाम लिख देंगे तो परीक्षा में आपका अंक काट दिया जाएगा। अभी आपने सीखा अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। अब आप सभी अपनी व्याकरण पुस्तक में से पिता से संबंधित, माता से संबंधित, मित्रों से संबंधित या सहेलियों से संबंधित पत्रों का पठन करें। धन्यवाद।